हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफा स्टडी चैनल पे। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो अभी यूपी की सरकार के द्वारा किया गया। आप सबको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था कि लेखपाल की वैकेंसीज कब आएंगी। तो चलिए ज़रा इस वैकेंसी के बारे में आपको बता देते हैं और इसके क्या क्या यहाँ पे प्रोविजंस हैं वो भी आपको बता देते हैं। सिर्फ एक काम कर दीजिएगा, इस लिंक को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, लेखपाल की जो वैकेंसीज हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आपका 7th of January 2022 से स्टार्ट होगा। काफ़ी टाइम से सवाल यहाँ पे ये चल रहा था कि पीटी का पेपर दिया है तो क्या हम इन फ्यूचर एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपके लिए आ गया है और ये ध्यान दीजिएगा कि 7 तारीख से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, जो यहाँ पे फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 4 फरवरी बताई गई है। हमें लास्ट डेट से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना कि यूपी का फॉर्म है तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टार्टिंग के ही टाइम में फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में फिर वेबसाइट जो है वो इनकी क्रैश कर जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है, तो आखिरी दिन का इंतज़ार मत करिएगा। सेकेंडली, ये जो आपका यहाँ पे पूरा फॉर्म है जिसके अंदर आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं जो कौन सा पीटी वाले एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई हुए हैं उनके स्कोर के आधार पे ही यहाँ पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। चलो, ये तो छोटी सी बात है, ये तो हमें पहले से ही पता थी। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे जो आपके पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये तो सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे UP SSC पे और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हर फॉर्म में होता है, यहाँ पे जितने भी OBC SC ST हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, इवन एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि कौन से एज ग्रुप तक के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी आपके मतलब का नहीं है, सीधे पॉइंट पे आते हैं जो हमारे मतलब का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एज वाला सेक्टर, ये जो एज वाला फैक्टर है ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1st of July को जितने लोगों की जो एज है अगर वो 18 साल के हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम डेट जो है मैक्सिमम एज जो है वो 40 इयर्स है। ठीक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया। मैम, नाउ हियर कम्स योर टर्न कि मैम अब ये बताओ पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि मुझे तो ये वाला एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, वो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ें कवर होंगी। हिंदी, मैथ्स, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, और उसके बाद में आता है हम लोग वाला सेक्शन यानी कि GK और GS का पार्ट। उसके बाद में आखिरी में लिखा हुआ है समाज एवं विकास। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे या फिर जो टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 25-25 के हिसाब से डिविजन होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, मैम हिंदी कहाँ से पढ़नी है? देखो, हिंदी का जो लेवल होगा वो सिंपल आप क्लास 10th की व्याकरण की जो किताब आती है उसको उठा के पढ़ लेना, काम अपना चल जाएगा। मैथ्स, आपका क्लास 10th तक के लेवल की अगर आपको मैथ्स आती है तो आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत ही हाईफाई लेवल की मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो तीसरा वाला सेक्शन है उसमें मुझे नहीं लगता मुझे कुछ आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मेरे क्लासेस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप सही जगह पे आराम से बैठिए, तैयारी करना शुरू करिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, बट यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो आइए ज़रा एक बार से बात कर लेते हैं कि मैम हमें कैसे कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जब तक नहीं होगी तब तक दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए सुनते हैं। सिंपल सी बात है,
किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आप तैयारी करने बैठोगे, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बिना करंट अफेयर्स के नैया पार नहीं होती है ना। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का सेशन। ये क्लास आपका होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जहाँ सुबह 7 बजे रेगुलर आपका क्लास होता है। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको यहाँ आना है, और जब आपकी यूपी की बात आती है तब तो आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको यहाँ आना है। आगे आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि जब भी किसी स्टेट से जुड़ी हुई कोई न्यूज आती है तो उसका पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस आपको इसी सेशन में मिल जाता है। तो क्लास में समय पर कल से कसम खा लो, वो भी विद्या कसम खाना, किसी और की कसम मत खाना। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो गया। अच्छा मैम, इसके अलावा क्या करना है? देखो, इसके अलावा मेरे 3 स्पेशल क्लासेस होते हैं अनअकैडमी पे। आप डिफाइन नहीं कर सकते ना कि पेपर में यही आएगा, बट यहाँ पर ये मान के चलिए गारंटीड कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपके 3 क्लासेस होते हैं, आज के ये टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको सिर्फ टाइमिंग बता दूं ताकि आप कल से उनको फॉलो करना स्टार्ट करो। 10:15 बजे, 1:30 बजे और 4 बजे, ये 3 क्लासेस हैं आपके लिए। आधे आधे घंटे के क्लासेस होते हैं, समय अपना एडजस्ट करिए उसी के हिसाब से, और तीनों क्लासेस में कल से आने की कसम एक बार फिर से खा लेना। कहाँ पर होंगे? अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तुमने अगर सब कुछ पढ़ के रखा है, तो तुम्हारा बस इतने में काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक यहाँ पर सेल्फ स्टडी के बारे में सोचा ही नहीं था और अचानक से अब फॉर्म आ गया, तो भैया आखिरी मौका 12 तारीख से आपका पेड बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके साथ में आपको GS तो मिलेगी, लेकिन इसी के साथ में आपको क्या मिलेंगे? मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। अब देखो, ये वाला जो आखिरी के 2 सब्जेक्ट हैं वो तो नहीं आ रहे, तो अगर उसके बावजूद आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, ताकि आप लेखपाल के अलावा किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपकी हो जाएगी और लेखपाल की भी तैयारी हो जाएगी, तो आप आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 5th of January तक आपके पास में ऑफर है 22% तक का क्या डिस्काउंट पाने का, ठीक है? तो आज ये लास्ट डेट है, इफ यू वांट टू ज्वाइन, इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज अगर ज्वाइन करोगे तो 6500 जो कि 1 साल की फी है, 7800 2 साल की फी है, इसके ऊपर आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोड क्या यूज करना है? कोड तो वही अपना पुराना जो आप हमेशा यूज करते आ रहे हैं। कोड क्या रहेगा? कोड यहाँ पे लगेगा Krati10, ठीक है? और ये कोड लगाने के बाद में क्या करोगे? प्रोसीड टू पे करोगे, और आप यहाँ पे इसके ऊपर 22% का ऑफ आपको मिलेगा। आपने स्पेशल क्लासेस किए, कॉइन्स होंगे वो भी लगा दो, मतलब जाके ये करीबन तुम्हारा 4000 रुपये पूरे साल भर के क्लासेस, किसी भी एजुकेटर का, किसी भी एग्जाम का, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो दिस इज अ टाइम जब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये 8000 वैकेंसीज आई हैं, 8000 से भी थोड़ी ज़्यादा ही है, एक बार से देख लीजिएगा। पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे हम शेयर कर दे रहे हैं, आप वहां से हर एक पॉइंट को पढ़ सकते हो, बट इतना कुछ है नहीं पढ़ने वाला, उतना ही पढ़ने वाला था जितना मैंने आपको बताया। 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तुम्हें एक ही तो चाहिए, ठीक? चलिए, मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।